प्रोफेशन से सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगे इसीलिए संस्कृत गागा कर बच्चों को सिखाती हैं। और इस गांव के बच्चे इस प्रथा को और आगे ले जा रहे हैं। संस्कृत भाषा की कम होती महत्ता को देखते हुए नई पीढ़ी में संस्कृत का बीज बोया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का परिचय देते हुए ये काम एक शिक्षिका कर रही हैं। ये टीचर जमुई जिले के झाझा प्रखंड के पुरानी बाजार की रहने वाली हैं। बच्चे इन्हें प्यार से रुक्मिणी दीदी बुलाते हैं। ये टीचर आजकल संस्कृत पढ़ाने के तौर तरीके से काफी चर्चा में हैं। रुक्मिणी दीदी के पढ़ाने के तरीके से न केवल सुदूर ग्रामीण इलाके के बच्चों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जाग रही है, बल्कि सरकार के महिला सशक्तिकरण अभियान को भी बल मिल रहा है। संस्कृत की शिक्षा परोस रही रुक्मिणी दीदी के प्रयास का ही फल है कि परीक्षाओं में भी बच्चों के अच्छे अंक आने लगे हैं। मनमोहक गीत संगीत के माध्यम से ग्रामीण इलाके के बच्चों को ये टीचर संस्कृत की तालीम दे रही हैं। पढ़ाने पढ़ने लिखने बोलने और समझने के सरल तौर तरीके से प्रभावित होकर बच्चे मंत्रमुग्ध होकर संस्कृत सीख रहे हैं। एक बार आप फिर से सुनिए कैसे ये टीचर बच्चों को संस्कृत भाषा सिखा रही हैं। रुक्मिणी दीदी से पढ़ने वाले बच्चे भी उनके पढ़ाने के तरीके से खुश हैं और कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में संस्कृत शिक्षक की कमी के साथ साथ उनके पढ़ाने के ढंग से परेशान होकर वो रुक्मिणी दीदी से संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं। जो पढ़े तो बहुत अच्छा लगता है। मैम का पढ़ाने का तरीका कुछ सभी टीचर से अलग ही है। मैम पढ़ाती है तो शब्द, कोई बड़ा शब्द आता है तो उसे वो तोड़ तोड़ कर बताती है, जिससे हम लोग को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। संस्कृत कहा जाता है कि बहुत भाष सब्जेक्ट है, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, अब कैसा लग रहा है संस्कृत? संस्कृत तो कोई हार्ड तो है ही नहीं, लेकिन इसे लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। रुक्मिणी दीदी की संस्कृत पढ़ाने का अंदाज इस कदर निराला है, बच्चे और बच्चियों ने भी संस्कृत विषय पढ़ने का मन बना लिया है। अब सुनिए क्या कुछ कहना है टीचर का। मेरे मन में विचार आया कि पहले तो मैं जो भी था कि हम 8-9 के बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन बाद में फिर उसके भाई, उसके सगे संबंधी सब मित्र वगैरह सब आने लगे कि नहीं मुझे भी संस्कृत पढ़ना है क्लास 10 के लिए, तो मैं भी हिम्मत नहीं हारी और फिर मैं बच्चों को बताना शुरू की तो वो लोग सफलता हासिल कर लिए। और उसके बाद जब सफलता मिली उन लोगों को तो फिर धीरे धीरे मेरे पास बच्चे पढ़ना शुरू हो गए और मैं तभी से अपना हिम्मत नहीं हारते हुए भी मैं बच्चों की सेवा करते आ रही हूँ। मेरे पास जो बच्चे आते हैं बिल्कुल मतलब समझिए कि जीरो लेवल के ही आते हैं, तो मैं बच्चों के पीछे इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ और नीचे से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, जिसके कारण थोड़ा सा मेहनत तो लगता है और उसको आसान बनाने के लिए मुझे गीत संगीत का तरीका अपनाना पड़ता है और इसी के माध्यम से बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। पिछड़े इलाके में संस्कृत की शिक्षा देना कितना मुश्किल है, ये भी सुनिए रुक्मिणी दीदी से। मैं बच्चों को बताना शुरू की तो वो लोग सफलता हासिल कर लिए। और उसके बाद जब सफलता मिली उन लोगों को तो फिर धीरे धीरे मेरे पास बच्चे पढ़ना शुरू हो गए और मैं तभी से अपना हिम्मत नहीं हारते हुए भी मैं बच्चों की सेवा करते आ रही हूँ। रुक्मिणी स्नातक तक की डिग्री हासिल की हुई है, आर्थिक तंगी के कारण ये आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। रुक्मिणी पिछले 10 साल से अपने घर पर बच्चों को संस्कृत का पाठ पढ़ा रही हैं। सीमित संसाधन में रुक्मिणी अपनी लगन और मेहनत के दम पर बिना किसी औपचारिक डिग्री के गीत संगीत के माध्यम से बच्चों को संस्कृत की तालीम देने का जो तरीका ढूंढ निकाली है वो निश्चित रूप से और शिक्षकों के लिए प्रेरणा है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।